हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, इससे पहले मैंने बहुत सारे जो ग्रामर वगैरह है, हिंदी का हो इंग्लिश का हो, डाल दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कीजिएगा, क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं आज कराने वाला हूँ आप लोगों को। मैं इस चार नंबर से शुरू करूंगा। इसका इससे पहले मैंने जो 8.4 का मैं सिखा रहा हूं, तो 8.4 का मैंने जो तीन नंबर है वो सिखा दिया मैंने। वो मैं अपना वीडियो डाल चुका हूं, अपलोड किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप वो वहां पे जाके वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। जो इम्पोर्टेंट है मैं सिलेक्शन ही करा रहा हूं। तो यहां पे देखिए, चार नंबर के जो भी रोमन वन से लेकर रोमन फोर तक क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हर एक पेपर को उठाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा। हर एक साल एक यहाँ से दे ही देता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू देता ही देता है। तो आपको वहां पे चॉइस करके करेक्ट करना है। तो आप अगर इसको बना नहीं पाइएगा तो करेक्ट कैसे निकलेगा, राइट? कोई स्टूडेंट जाके डायरेक्टली ठीक कर देता है, बी आंसर तो सी आंसर, ऐसा भूले, आपको मार्क कभी आएगा नहीं है। आपको मैथ्स में मार्क उठाना है, कमांड बनाना है मैथ्स में, तो छोटे छोटे भी आना चाहिए। तो छोटे छोटे से ही आपको देखिए, एमसीक्यू जो होता है, चॉइस करेक्ट आंसर जो होता है, 10 मार्क का होता है, 1 मार्क, अभी तो 12 मार्क का हो रहा है, पहले 10 मार्क का होता था, तो 12 मार्क का हो रहा है। आप वहां पे 12 में 12 ला सकते हैं, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। इतना सुंदर सुंदर क्वेश्चन वो लोग देता है, इतना इजी इजी क्वेश्चन। वो भी मैं, मेरा जो कॉम्प्लीमेंटल का एग्जाम हुआ था, तो मेरा जो वीडियो था उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं 1 मार्क का किया हुआ था। तो वहाँ से बहुत सारा 1 मार्क आया था, 5 या 6 क्वेश्चन वहाँ से आ चुके थे। इसके बावजूद 2 क्वेश्चन भीतर से ही था, मैं कराया नहीं था, पर वहाँ से इजी ही था। तो स्टूडेंट लोगों ने कहा, सर वहाँ से दिए थे आप, वहाँ से आ चुका है, तो मैं किया भी था। बहुत लोगों पास भी किए और कमेंट भी दिए अच्छे अच्छे। तो आप लोगों को भी आशा करता हूँ, जो नए बैच है अभी, वो भी अच्छी तरह करेंगे प्रिपेरेशन, ठीक है? तो ये देखिए, मैं कराने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो 9 में ले सकता हूँ कॉमन, ठीक है? तो बचेगा क्या, इसके अंदर बच रहा है sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, राइट? ये बचा कि नहीं। तो एक काम कीजिएगा, 9 जो कॉमन लिए थे 9 ही रखिए। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो इनटू ऑफ 1 दे सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जो एक फॉर्मूला है लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला वगैरह ना आपको एक ही पेपर में रखना चाहिए, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है? तो रखना ही चाहिए आपको। आप फॉर्मूला एक ही कॉपी में रखिएगा तभी सुविधा होगा, ठीक है? 9 इंटू 1 समथिंग क्या होगा, तो 9 ही होगा, इसका आंसर 9 होगा, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है? तो आप बी करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 2 नंबर पर चलते हैं। मेरा कहना था जे देखिए, मैं 2 नंबर कराने वाला हूँ, तो मेरा कहना, मैं आप लोगों को बोलना चाहता था, तो देखिए फॉर्मूला क्यों रखना चाहिए एक ही पेपर में, क्योंकि आप हर फॉर्मूला अलग अलग जगह रखिएगा तो अलग अलग आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? तो एक ही जगह रखिए। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारे फॉर्मूला है, आपको एक जगह ही रखना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल आप याद नहीं कर सकते, ये तो मान के चलिए। जितना भी फॉर्मूला है, चाहे वो आइडेंटिटी है, चाहे वो डिग्री है, चाहे छोटे छोटे फॉर्मूला है, एक ही जगह रखिए, आपको बहुत सुविधा होगा, नहीं तो आप कर नहीं सकते। देखिए इसको किस तरह करना है, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया था, शायद 2018 में आया हुआ था। तो इसको बनाना किस तरह है, देखिए पहले काम कीजिएगा, मैं डायरेक्टली आंसर ही बना रहा हूँ। यहाँ पे काम कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1, इससे इसको मल्टीप्लाई वो दिया है कुछ नहीं, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई है। तो आप एक काम कीजिए, 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए। जब पूरे को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही रहेगा, 1 से हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रह जाता है। तो पहले मैं इसको वैसा ही उतार लेता हूँ, जैसा वैसा है, यहाँ पे 1 है, उसके बाद प्लस कोट थीटा, राइट, माइनस कोसेक थीटा, ये तो हो गया, इतना काम कर लिया मैंने, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये ना अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है, इसके 2-3 मेथड है बनाने का। आप ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं तो आपका टीचर अलग मेथड से बनाया होगा, एलसीएम मेथड से, इसके अंदर ही चेंज किया जा सकता है, ये भी एक मेथड है, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ जो मैथ्स के लिए ना एक ही लेक्चर रखना चाहिए, आप एक ही ट्यूशन पकड़िए मैथ्स के लिए, 2 टीचर या बहुत कंफ्यूजिंग कर देगा, आप एग्जाम में बना नहीं पाइएगा, ठीक है? यहाँ देखिए, अब मुझे प्लस 10 से इंटू करना है ये पूरे को, तो प्लस 10 इंटू 1 तो क्या होगा, ये मालूम है, 1 से किसी को इंटू करता हूँ वही रहता है, यानी प्लस 10 ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 10 थीटा ही रख दिया, ठीक है? उसके बाद 10 से जब मैं कोट को इंटू करूंगा, उसका पहले मुझे सिंबल को देखना है, प्लस और प्लस क्या होगा, तो प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस कोट इंटू 10 तो वही रह जाएगा 10 थीटा, ठीक है?
टेन थीटा और यहाँ पे रहेगा कोट थीटा इंटू कोट थीटा, ये रह गया दोनों, ये दोनों हो गया। इसके बाद इसका काम बाकी हुआ है, टेन का पहले क्या है प्लस है, कोसे का पहले क्या है माइनस है, प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा आंसर निकल के आता है माइनस, राइट, प्लस माइनस माइनस होता है। टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो दोनों को ही रखना पड़ेगा, आप रखिए टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, राइट। इसके बाद इन दोनों का काम खत्म हो गया, अभी हमारा प्लस सेक का काम है, प्लस सेक से जब वन को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस सेक थीटा ही आएगा, प्लस सेक थीटा आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस है और प्लस है, प्लस है प्लस को इंटू किया जाता है तो आंसर निकल के आता है प्लस, हो गया प्लस हो गया। और यहाँ पे देख सेक थीटा और कोट थीटा का इंटू करूंगा तो रहेगा मेरा सेक थीटा इंटू कोट थीटा, राइट। अच्छे से लिखिएगा, थोड़ा मेरा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं ये चलाया नहीं था कभी भी। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो हो गया, मैंने कर दिया सेक थीटा और कोट थीटा को इंटू कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो पहले सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो गया, इतना दूर तो हुआ। अभी नेक्स्ट लाइन चलेंगे, आप अगर आपको जगह नहीं इधर हो रहा है तो आप भी नीचे लिख सकते हैं एग्जाम में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस इक्वल को ध्यान रखना चाहिए। अब इक्वलिटी का चिन्ह कहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे वन है, वन ही होगा, सबको चेंज करना है आपको। कोट थीटा का प्लस है तो प्लस दे दिया, कोट थीटा क्या चेंज होता है, कोट थीटा चेंज होता है कोस थीटा, कोस थीटा बाई साइन थीटा, राइट। ये तो हो गया, कोट चेंज हो गया, माइनस है तो मैंने माइनस दे दिया। कोसेक का क्या चेंज होता है आपको मालूम है, जो कोसेक चेंज होता है वन बाई साइन थीटा, राइट, वन बाई साइन थीटा। इधर प्लस है तो प्लस आपको देना ही देना है, प्लस दे दिया। टेन थीटा का क्या चेंज होता है, टेन थीटा का चेंज होगा ऊपर हो जाएगा, ये फॉर्मूला है किंतु साइन थीटा आइडेंटिटी से, ये आपको याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, राइट। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दीजिए। इसका देखिए एक फॉर्मूला होती है टेन थीटा, ये एक फॉर्मूलाए हैं, जो क्या फॉर्मूला है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू वन, ठीक है, ये होता है। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इस पूरे के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वन, राइट। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये बस मैंने दिखलाया, ठीक है, चलिए उसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये बस फॉर्मूलाएँ थी आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, इसका काम मैंने कर लिया, अभी माइनस है तो मैं दूंगा माइनस। यहाँ पे टेन थीटा का वही होगा, टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टेन थीटा क्या है कोसेक थीटा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसको भी चेंज करना है आप कीजिए, टेन का क्या होगा, टेन का अभी मैंने लिखाया जे साइन थीटा बाई कोस थीटा, राइट। इसके बाद इंटू है तो आप भी इंटू दे दीजिए। इसके बाद कोसेक थीटा है तो आपको मालूम है कोसेक थीटा मतलब वन बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। प्लस सेक है तो प्लस दे दीजिए, सेक का क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, सेक वन बाई कोस थीटा, ये होता है वन बाई कोस होता है। इधर प्लस है तो मैंने प्लस दे दिया। इसके बाद ये सेक थीटा है तो सेक थीटा भी चेंज कीजिए, सेक थीटा होगा वन बाई कोस थीटा। उसके बाद इंटू है तो इंटू दे दीजिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अच्छा इसको किसी तरह यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि, अच्छा इंटू दे दिया। कोट थीटा को आपको मालूम है कोट होता है कोस थीटा बाई साइन
थीटा, राइट, ये तो हो गया ना इतना दूर। ठीक है, अभी बचा क्या है, माइनस, तो मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया। सेक थीटा चेंज होगा, अभी आपने चेंज किए, सेक थीटा चेंज होता है 1 बाई कोस थीटा, राइट, ये हो गया 1 बाई कोस थीटा। उसके बाद इनटू है, इनटू दे दीजिए, कोसेक थीटा है 1 बाई साइन थीटा, ये हो गया। अभी नेक्स्ट लाइन क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में देखिएगा आप, देखिए करना क्या है यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन जा रहा हूँ, ये 1 है, इसको 1 ही रखिए, प्लस है प्लस ही रखिए, यहाँ पे कोई कटा उटा नहीं गया, तो ये कोस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। इधर माइनस 1 बाई साइन है, तो उसको भी वैसा ही रखिए, 1 बाई साइन थीटा, राइट। इसके बाद देखिए ये प्लस है, प्लस ही रहेगा, इधर भी वैसा ही रहेगा, यहाँ तक चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोल रहा हूँ, जो कटेगा बस वही काटना है, कोस थीटा, यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1 ही रहेगा इतना दूर। यहाँ पे देखिए ये साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, ऊपर 1, यहाँ पे माइनस है माइनस दे दीजिए, माइनस, ऊपर बचा 1, तो 1 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचा सिर्फ कोस थीटा, राइट। यहाँ पे देखिए ये ऐसा ही रहेगा, प्लस 1 बाई कोस थीटा, यहाँ पे देखिए प्लस, ये कोस से ये कोस कैंसिल आउट, बचा क्या, प्लस 1 बाई साइन थीटा, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ तो हो नहीं रहा है, इन दोनों को इनटू कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, ऊपर 1 रख लीजिए, 1 इंटू 1 समथिंग 1, नीचे दोनों को एक साथ कर दीजिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, कोस इंटू साइन, ये एक साथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ ही रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे अब कैंसिल आउट क्या क्या होगा, राइट। यहाँ पे देखिए प्लस 1 बाई कोस थीटा, माइनस 1 बाई कोस थीटा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो ही रहा है, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 बाई साइन के साथ प्लस 1 बाई साइन कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, देखिए प्लस 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा, इसके बाद प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, प्लस 1 और माइनस 1 बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यही बच रहा है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा जगह की कमी के कारण मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में लूँगा, ठीक ठीक है। तो आप देखें जे ये जो है, मैं उस साइड से मैं यहाँ पे लिख लिया फिल पॉइंट को, जो जो बचा मेरा यही सब बचा था, 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, प्लस 1 माइनस 1 बाई समथिंग, साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, ये मेरा बचा था, मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे भी प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 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 होता है, तो 1 और 1 को अगर इंटू करूँगा तो मेरा आंसर निकल के आएगा 2, राइट, 1 और 1 इंटू करूँगा तो मेरा आंसर निकल के आएगा 2, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इस बार जब 2 लिख लिया हूँ तो मैं इसको सेपरेटली पहले कर लेता हूँ, तो बचा क्या मेरा, कोस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, सबसे बढ़िया काम है, 2 रख लीजिए इधर सेपरेटली, ये प्लस में रखिए, इन सब का पूरा एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कुछ नहीं, साइन थीटा और कोस थीटा को रखिए, क्योंकि यही लार्जेस्ट है, यही बड़ा है, आपको एलसीएम ऐसे भी आना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसमें कमान नहीं रहने से कोई भी मैच नहीं बनता है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा, देखिए एलसीएम कैसे लेना है। अब इस बार देखिए साइन और साइन कैंसिल आउट हो गया, राइट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन और साइन
कैंसिल लाइट हो गया, तो बचा गया कोस। ऊपर भी क्या है कोस, ये नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, आपको मालूम होना चाहिए। तो कोस इंटू कोस क्या होगा, आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, राइट। प्लस है, प्लस दे दीजिए, ये कोस और कोस कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या है साइन, नीचे भी क्या है साइन, साइन इंटू साइन, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और ये तो ये है, ये माइनस माइनस ही रहेगा, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अगर कैंसिल लाइट हुआ तो कुछ नहीं बच रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा वन, राइट, वन बचा, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए दो है तो दो दे दीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो उसका जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वन, यहाँ पे माइनस वन, नीचे दे सकता हूँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, यहाँ पे बचेगा टू प्लस वन से वन गया जीरो और बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, राइट, ये बचा। मैं इधर थोड़ा स्लाइड कर रहा हूँ, देखिए अभी क्या है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे टू तो टू ही रहेगा, टू रख दिया, प्लस जीरो, अगर कोई भी संख्या को ऊपर अगर जीरो है अगर डिवाइड दूंगा तो उसके आंसर भी जीरो आएगा, और जीरो से अब दो को प्लस करूँगा आंसर आएगा दो, तो हमारे ऑप्शन जो थे, ठीक है, आपका दो नंबर में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट, इसमें दो रहेगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में, इसके बाद जो वीडियो है उसमें मैं आपका रोमन थ्री और रोमन फोर डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये दो नंबर बनाने में थोड़ी समय ज़्यादा लग गया, अच्छे से समझाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे लोगों को समझ भी नहीं आता है, ठीक है। तो आपको अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ, एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है, बहुत कुछ करके इस वीडियो को लाना पड़ रहा है, कैसे बनाया जाता है, तो ठीक है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, आशा करता हूँ एक लाइक कीजिएगा। और मैं प्रीवियस पेपर भी कराने वाला हूँ, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, प्रीवियस पेपर पूरा कराऊँगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये मान के चलिए, ठीक है।